उम्मीद है कुछ घंटों में दिल्ली आम आदमी पार्टी के ठगों का ये चेहरा भी देख लेगी। कह रहे थे हम राजनीति बदलने आए हैं, हम सुख सुविधाएं सरकारी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन आज जेल में सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, तिहाड़ जेल में, और जेल के अंदर भी सुख सुविधाएं लेने से इतना भी कतरा नहीं रहे हैं। आज नैतिकता कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली पूछ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में आप आए थे और आप ही का मंत्री एक नहीं, अभी हाल ही में आपने देखा बीच नगर निगम चुनाव में इनके 2 विधायक और उनके रिश्तेदार 90 लाख रुपया में टिकटें बेचते हुए एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा पकड़े जाते हैं। गीता रावत इनकी नगर निगम पार्षद सीबीआई ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए सर हाथों पकड़ लिया। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन 3 महीने से ईडी ने और कल भी कोर्ट ने उनकी बेल जो है अर्जी खारिज कर दी है, माना है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। अब सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी की क्या मजबूरी है कि वो जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, सत्येंद्र जैन को आप पद से, मंत्री पद से हटा नहीं रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या भट्ठा बैठा दिया है, फाइलें चेक करने वाला कोई नहीं है और ये जेल मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात, सत्येंद्र जैन जेल मंत्री में है और जेल में सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। सो ये इनका चेहरा बेनकाब हुआ है। नगर निगम का चुनाव है, एक तरफ भाजपा का 15 साल का कुशासन और भ्रष्टाचार है और सामने जिनसे इनके टक्कर बताते हैं वो आम आदमी पार्टी एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बेनकाब हो रही है। दिल्ली देख रही है कि इन दोनों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अब कौन है। सो मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली के सामने समय रहते ये सच्चाइयां आ रही हैं। बर्खास्तगी की मांग कर रही हैं क्या आप मंत्रालय? बिल्कुल, मांग भी क्यों करनी पड़े। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति बदलने आए थे ना, नैतिकता की दुहाई देते थे। दो ही तो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार, परिवारवाद। भ्रष्टाचार के मामले में आपके सामने है, परिवारवाद के मामले में मैं कहूंगी चांदनी चौक के आम आदमी पार्टी के विधायक के बेटे को टिकट दिया नगर निगम में, मटिया महल में अपने विधायक के बेटे को टिकट दिया। तो हर मोर्चे में तो आप पूरी तरह बेनकाब होके जनता के सामने आपने जो दिल्ली को ठगा है वो ठगी सामने आ रही है। नैतिकता के आधार पर मांग होनी नहीं चाहिए। अभी भी मैं कहूंगी इतनी सी भी नैतिकता अरविंद केजरीवाल जी आप में बची है तो बिना समय गवाए सत्येंद्र जैन जी को जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के मंत्री पद से हटाकर आपको जो है एक संदेश देना होगा, वरना हम इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ेंगे, हम ये होने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।